नमस्कार, ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2013 लर्निंग वीडियो सीरीज के लिए आपका स्वागत है। इस वीडियो में वेलकम स्क्रीन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2013 वेलकम स्क्रीन पर पहुंचने के लिए वेलकम आइकन पर क्लिक करेंगे। इस रिलीज में एक नया ऑप्शन है। वेलकम स्क्रीन के तीन भाग हैं, जैसे वर्क, लर्न और एक्सटेंड। वर्क में दो ऑप्शंस हैं, एक न्यू ओपन प्रोजेक्ट्स और रिसेंट फाइल्स। न्यू के सहायता से नया पार्ट या असेंबली या ड्राइंग का शुरुआत कर सकते हैं। ओपन के सहायता से हार्ड डिस्क में स्टोर किए हुए फाइलों को ओपन करके देख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के सहायता से नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या फिर पहले से उपलब्ध प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। और रिसेंट फाइल्स में हाल ही में क्रिएट हुए फाइल्स पर ऑटोडेस्क इन्वेंटर के जरिए पहुँच सकते हैं। लर्न में तीन ऑप्शंस हैं, व्हाट्स न्यू इन 2013, इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स और एसेंशियल स्किल्स वीडियोस। व्हाट्स न्यू इन 2013 पर हम इन्वेंटर के नए फीचर्स सीख सकते हैं। इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स में 3D मॉडलिंग के स्टेप सीख सकते हैं और आपके लिए दो 3D मॉडलिंग ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। एसेंशियल स्किल्स वीडियोस में दो तरीके के वीडियोस हैं, एक ओवरव्यू वीडियोस, दूसरा फंडामेंटल वीडियोस। ओवरव्यू वीडियोस में हम फाइल टाइप्स, व्यू नेविगेशन, वर्क फीचर्स और इंपोर्टिंग ऑटोकैड डेटा के बारे में सीख सकते हैं। फंडामेंटल वीडियोस में हम स्केचेस, पार्ट्स, ड्राइंग्स और असेंबलीज के बारे में सीख सकते हैं। एक्सटेंड में दो ऑप्शन हैं, ऑटोडेस्क एक्सचेंज और ऑटोडेस्क 360। ऑटोडेस्क एक्सचेंज एक ऐसा ऑप्शन है जिससे ऑटोडेस्क एक्सचेंज ऐप्स वेबसाइट पर हम कनेक्ट कर सकते हैं और ऑटोडेस्क में उपलब्ध ऐप्स को भी उपयोग कर सकते हैं। ऑटोडेस्क 360 के सहायता से जो भी फाइल्स बनाया है उनको ऑनलाइन में स्टोर कर सकते हैं और इन फाइलों पे काम करने के लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ कंप्यूटर से हम पहुंच सकते हैं। और एक ऑनलाइन फीचर है ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें डिज़ाइन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।